हे एवरी वन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। सो जैसा कि हम जानते हैं कि 28 और 29 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 28 को जो है IPU का एग्ज़ाम है और 29 को IIMC का एग्ज़ाम है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मीडिया एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के आ सकते हैं वो मैं इसमें जो है आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। उसमें आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगी, ऑप्शन दूँगी, आपको आंसर जो है उसका टिक करना है। उसके बाद लास्ट में आपको देखना है कि टोटल 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही करे हैं। और आपको जितना भी जिसका जो स्कोर रहेगा वो मुझे कमेंट में बताना है। इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। और साथ ही अगर किसी के स्कोर कम भी आता है तो ये मत सोचेगा आपकी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर गलत कर जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में हो सकता है उसका लेवल थोड़ा और लो आए उस क्वेश्चन का, तो हम वहाँ पर अच्छा कर देते हैं। लेकिन प्रिपरेशन करनी है, ख़ुद को चेक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ओम्बड्समैन फॉर एनी न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वॉज अपॉइंटेड इन। किसी भी न्यूज़पेपर के लिए वर्ल्ड में पहले ओम्बड्समैन, जो जिसके पास हम शिकायत दर्ज करवाते हैं, वो कहाँ पर अपॉइंट किए गए थे? ऑप्शंस आर स्वीडन, जापान, ऑस्ट्रिया या ग्रेट ब्रिटेन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस आर स्वीडन, जापान, ऑस्ट्रिया एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान। सेकंड क्वेश्चन, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII इज सिचुएटेड इन। FTII कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शंस आर पुणे, दिल्ली, नासिक या हैदराबाद। तो FTII जो है वो आपका सिचुएटेड है ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। FTII पुणे के नाम से मशहूर है, तो ये कहाँ पर है? पुणे में है। थर्ड क्वेश्चन, द पर्सनैलिटी हु हैज़ फाउंड अ प्लेस ऑन द पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज। ऑप्शंस आर नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, यासिर अराफात या द क्वीन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मीन्स वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसने पोस्टल स्टैम्प्स पे जो है अधिकतर सभी कंट्रीज की, जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं सभी, उन पर अपनी जगह बनाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महात्मा गांधी। इन्होंने अपनी जगह जो है अधिकतर सभी पोस्टल स्टैम्प्स पे बनाई है। फोर्थ क्वेश्चन, हार्ड न्यूज़ इज मोस्टली, हार्ड न्यूज़ क्या होती है? स्पॉट न्यूज़, सोसाइटी न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़ या फिलर न्यूज़। तो हार्ड न्यूज़ जो होती है वो आपकी होती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ स्पॉट न्यूज़। मींस जो इवेंट की न्यूज़ होती है, दैट इज़ हार्ड न्यूज़। फिफ्थ क्वेश्चन, MNP इज़, MNP की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस आर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, महाराष्ट्र न्यूक्लियर पावर, मिनिमम न्यूमरिक पॉइंट या नन ऑफ दी अबव। तो MNP की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ द मंथली मैगजीन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसकी जो मंथली मैगजीन होती है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस आर कुरुक्षेत्र, कृषि, खेती या फिर ग्रामीण संदेश। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो है मंथली मैगजीन है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ चैनल इज ओन्ड बाय प्रसार भारती। प्रसार भारती जो है इनमें से कौन सा न्यूज़ चैनल ओन करता है? ऑप्शंस आर इंडिया न्यूज़, DD न्यूज़, इंडिया टुडे या ABP न्यूज़। तो जो प्रसार भारती है वो ओन करता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज DD न्यूज़ इज़ द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, द मच डिस्कस्ड मीडिया इवेंट वार्डरोब मालफंक्शनिंग वॉज रिलेटेड टू। तो जो वार्डरोब मालफंक्शनिंग जो हुई थी मीडिया इवेंट, उस वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, स्लिपिंग ऑफ अ मॉडल्स आउटफिट ड्यूरिंग अ फैशन शो, मीडिया प्रोपोगेंडा या नन ऑफ दी अबव। तो वार्डरोब मालफंक्शनिंग जो है वो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर बी से, स्लिपिंग ऑफ अ मॉडल्स आउटफिट ड्यूरिंग अ फैशन शो। इसको बोलते हैं वार्डरोब मालफंक्शनिंग। नाइन्थ क्वेश्चन, विच वेबसाइट अपलोड्स कंटेंट ओनली इन अ वीडियो फॉर्मेट। वीडियो फॉर्मेट में कौन सी वेबसाइट जो है अपना कंटेंट अपलोड करती है? ऑप्शंस आर फेसबुक,
ट्विटर, यूट्यूब या व्हाट्सएप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो वेबसाइट आपका वीडियो फॉर्मेट में लॉन्च करती है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यूट्यूब। यूट्यूब का जो इतना भी कंटेंट होता है वो वीडियो फॉर्मेट्स में होता है। 10th क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ PTI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शंस आर 1938, 1936, 1948 या 1947। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1947 इज़ द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, रिसीवर्स इंडिकेशन टू द सेंडर दैट मैसेज वॉज नॉट रिसीव्ड वेल इज़ कॉल्ड। रिसीवर अगर ये इंडिकेशन दे सेंडर को कि जो मैसेज उसे रिसीव हुआ है दैट इज़ नॉट इन अ गुड फॉर्मेट, उसे वो समझ में नहीं आया है, तो वो कैसा फीडबैक होगा? ऑप्शंस आर पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक या डिलेड फीडबैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इसका करेक्ट आंसर होगा। रिसीवर अगर ऐसा इंडिकेशन देता है कि उसको रिसीव जो मैसेज मिला है वो ठीक नहीं मिला है, तो ये एक नेगेटिव बात है, वो नेगेटिव फीडबैक जो है उसे दे रहा है। 12th क्वेश्चन, डैश और कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट डिस्टॉर्ट द मैसेज। मैसेज को जो है समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करना, डिस्टॉर्ट करना, एक कम्युनिकेशन बैरियर का काम करना, वो क्या है? दैट ऑप्शंस आर नॉइज, वॉइस, क्लॉज या फ्लॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नॉइज़ जो है कम्युनिकेशन बैरियर है। 13th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया इज़। इंडिया की लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? ऑप्शंस आर AFP, PTI, ANI या फिर AP। तो द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 1947 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। तो लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया इज़ इन PTI। 14th क्वेश्चन, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। आर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑप्शंस आर सॉफ्ट न्यूज़, हार्ड न्यूज़, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो आर्ट्स, एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जो है वो तीनों ही कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ऑप्शंस आर सॉफ्ट न्यूज़, हार्ड न्यूज़, बोथ या नन। तो हम नाम से पता लगा सकते हैं कि तीनों ही चीज़ें जो है सॉफ्ट है, आर्ट भी सॉफ्ट है, एंटरटेनमेंट भी सॉफ्ट है क्योंकि इससे हम रिलैक्स्ड होते हैं, लाइफस्टाइल भी सॉफ्ट में आता है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्ट न्यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका सॉफ्ट न्यूज़। 15th क्वेश्चन, द सिनेमा ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ रेफर्ड एज। आंध्र प्रदेश के सिनेमा को क्या नाम दिया गया है? जैसे हमारा बॉलीवुड है उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के सिनेमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर मॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर आंध्र सिनेमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टॉलीवुड कहा जाता है आपका साउथ की मूवीज़ की, जो आपकी मूवीज़ बनती हैं दैट इज़ टॉलीवुड। 16th, द फर्स्ट साइलेंट फीचर फिल्म मेड इन इंडिया वॉज। पहली साइलेंट फीचर फिल्म जो इंडिया में बनी है, ऑप्शंस आर आलम आरा, सत्ते पे सत्ता, श्री पुंडलिक या राजा हरिश्चंद्र। तो पहली साइलेंट फीचर फिल्म जो इंडिया में बनी है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। 17th क्वेश्चन, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो किसने प्रपोज किया था? ऑप्शंस आर विलियम बोल्ट, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेसली या लॉर्ड लिटन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो आपका प्रपोज किया था ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन इज़ द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन, द इंडियन प्रेस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। द इंडियन प्रेस एक्ट जो है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शंस आर 1911, 1810, 1947 या 1910। तो इंडियन प्रेस एक्ट जो है वो आपका आया था 1810 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन, द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन। मींस जो पहला कंटिन्यूस सेंसस हमारे इंडिया में हुआ है वो कब से हुआ है? ऑप्शंस आर 1871, 1881, 1951 या 1961।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब जिस ईयर से हर 10 साल में सेंसस जो है जनगणना की गई है भारत में, इंडिया में, तो वो कब से स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है आपका 1881। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ CNN इज़, तो CNN की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर केबल 9 नेटवर्क, केबल न्यू नेटवर्क, केबल न्यूज़ नेटवर्क या कॉमन न्यूज़ नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? CNN की फुल फॉर्म है केबल न्यूज़ नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल गजट? बंगाल गजट के फाउंडर कौन है? ऑप्शन आर जेम अगस्टस हिकी, बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले या फिर मोतीलाल घोष। तो बंगाल गजट के फाउंडर कौन है? वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जेम्स अगस्टस हिकी। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म? इनमें से कौन सा जो है जर्नलिज्म का टाइप नहीं है? ऑप्शन आर येलो जर्नलिज्म, टेबलॉइड जर्नलिज्म, बकेट जर्नलिज्म या फिर एनवलप जर्नलिज्म। तो इनमें से कौन सा जो है जर्नलिज्म का टाइप नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बकेट जर्नलिज्म इज नॉट अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म। 23rd क्वेश्चन, द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय? जो स्टेटमैन न्यूज़पेपर है वो किसने फाउंड किया था? ऑप्शंस आर रुडयार्ड किपलिंग, रॉबर्ट नाइट, जिम कॉर्बेट या फिर विलियम जेम्स। तो द स्टेटमेंट न्यूज पेपर वॉज फाउंडेड बाय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रॉबर्ट नाइट। 24th क्वेश्चन, आ वायर सर्विस इज आ, वायर सर्विस क्या होती है? ऑप्शंस आर न्यूज एजेंसी, केबल नेटवर्क, वायर प्रोवाइडिंग लाइव रेडियो प्रोग्राम्स या नन ऑफ द अबव। तो वायर सर्विस क्या होती है? वायर सर्विस होती है आपकी एक न्यूज एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन, द इंडियाज़ ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर इज़, भारत का सबसे पुराना इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर कौन सा है जो अभी भी प्रेजेंट चल रहा है? डेली न्यूज़पेपर जो पहले ही स्टार्ट जो डेली के बेसिस पे हुआ था। ऑप्शंस आर द हिंदू, द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो आपका इंडिया का ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है। ये हमने 25 क्वेश्चंस हमने जो है आपके मीडिया एप्टीट्यूड के कर लिए। अब आने वाले 25 क्वेश्चन हम जीके के करेंगे, जनरल अवेयरनेस के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द हरप्पन्स यूज इंटाग्लियो सील्स मेड मोस्टली ऑफ कार्व्ड एंड फायर्ड स्टीटाइट। तो ये क्या होता था, मतलब जो सील इस चीज़ के इस्तेमाल करते थे वो क्यों करते थे हरप्पन्स? फॉर एज एन एक्सपोर्ट कमोडिटी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द प्लेस ऑफ कॉइन्स, एज एम्यूलेट्स और चार्म्स टू वार्ड ऑफ ईविल स्पिरिट्स या फॉर मेकिंग देयर गुड्स एंड प्रॉपर्टी, फॉर मार्किंग देयर गुड्स एंड प्रॉपर्टी। तो हरप्पन जो है सील्स का जो इस्तेमाल करते थे वो क्यों करते थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, फॉर मार्किंग देयर गुड्स एंड प्रॉपर्टी। मीन्स ये बताने के लिए कि जो गुड है, ये जो प्रॉपर्टी है वो इनको बिलोंग करती है, वो सील्स बनाते थे ताकि वो सील वहाँ पे छाप कर ये बता सकें कि ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। सेकंड क्वेश्चन, विद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज़ द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो जो है एसोसिएटेड है? तो डू और डाई किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन आर स्वदेशी मूवमेंट, बी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो डू और डाई इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन रेफर्स टू, पंचायतन शब्द जो है वो आपकी हिस्ट्री से संबंधित है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शंस आर एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स, अ रिलीजियस सेक्ट या फिर आर स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी। तो जो पंचायतन है वो एक तरीके के टेम्पल का कंस्ट्रक्शन का स्टाइल होता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स पंचायतन मंदिर बोले जाते थे जो उस शेप में बनते थे, शायद पैरामिड शेप में बनते थे वो पंचायतन मंदिर। मीन्स बीच में एक मंदिर होता था, उसके चारों तरफ 5 छोटे छोटे मंदिर होते थे, दैट इज़ कॉल्ड पंचायतन मंदिर। तो स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड पंचायतन। फोर्थ, इन विच स्टेट डेलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड?
तो डेलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शंस आर झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान या उड़ीसा। तो डेलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका सिचुएटेड है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड इज़ द करेक्ट आंसर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्ट प्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स वॉज, मीन्स जो शिवाजीज के अष्ट प्रधान थे उसमें से फॉरेन अफेयर्स जो थे, बाहर के मुद्दे जो होते थे, विदेशी मुद्दे, वो कौन देखता था? ऑप्शंस आर पेशवा, सचिव, पंडित राव या सुमंत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित राव। पंडित राव इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया, कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्स मिशन जो है भारत भेजा था? ऑप्शंस आर जेम्स रामासे मैकडोनल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविले चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल। तो क्रिप्स मिशन जो भेजा था आपका, वो भेजा था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो है क्रिप्स मिशन आपका भारत भेजा था। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस फॉर्म्स द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड म्यांमार, मीन्स इंडिया चाइना और म्यांमार का जो है ट्राई जंक्शन कौन सा माउंटेन पास जो है वो बनाता है? ऑप्शंस आर नाथुला, झेलेपला, बोमडिला या फिर धीपुला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज धीपुला। धीपुला जो है वो ट्राई जंक्शन बनाता है इंडिया चाइना और म्यांमार का। आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर्स काफ़ी करेक्ट जा रहे होंगे, आपके प्रिपरेशन सबकी अच्छी होगी। प्लीज़ अपने स्कोर्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है किसके कितने स्कोर्स आए, ताकि पता चल गए कि किसने कितनी तैयारी कर रखी है। एट्थ क्वेश्चन, द फेमस हिल स्टेशन कोडाई कनाल लाइज इन, जो फेमस हिल स्टेशन है कोडाई कनाल वो कहाँ पर लाए करता है? ऑप्शंस आर नीलगिरी हिल्स, पलानी हिल्स, कार्डमम हिल्स या जवादी हिल्स। तो जो कोडाई कनाल है वो आपका लाए करता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पलानी हिल्स। नाइन्थ, द अमृतधारा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो अमृतधारा वाटरफॉल जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ या मणिपुर। तो अमृतधारा वाटरफॉल आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है आपका अमृतधारा वाटरफॉल। टेंथ क्वेश्चन, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ऑप्शंस आर नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर मेघालय। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपका मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, विच इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शंस आर रन ऑफ कच्छ, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स या सुंदरबन। तो इन चारों में से किसको हॉट स्पॉट कहा जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897 मॉडर्न हिस्ट्री टू कैरी एन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो 1897 में किसने फाउंड किया था? ऑप्शंस आर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर ब्लाटवास्की एंड ऑलकॉट। तो किसने स्टार्ट किया था, वो किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने आपका रामकृष्ण मिशन 1897 में स्टार्ट किया था। 13th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद। महाजनपद अगर आपने पढ़े होंगे 16 महाजनपद, उनमें से वत्स जो था, वत्स की कैपिटल क्या थी? तो ऑप्शंस आर मथुरा, भैरात, कौशाम्बी या फिर काशी। तो वत्स की कैपिटल थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो करेक्ट आंसर है, वत्स की कैपिटल। 14th क्वेश्चन, द शंघाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन, ऑप्शंस आर असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो शंघाई फेस्टिवल जो है वो आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम। असम इज द करेक्ट आंसर। 15th, द फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है वो आपका कहाँ मनाया जाता है?
तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपका ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल या जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन, थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो थाईपुसम फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी मनाती है, कहाँ की कम्युनिटी मनाती है? ऑप्शन नंबर ए इज तमिल, तेलुगु, मराठी या मलयालम। तो थाईपुसम फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करता है तमिल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 17th, द ऑथर ऑफ तबकत ए अकबरी वॉज। ऑप्शन आर बदूनी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल या ख्वांत मीर। तो तबकत ए अकबरी के जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाल किंग्स एस्टैब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन से पाल किंग ने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है आपकी इस्टैब्लिश की थी? ऑप्शन आर गोपाला, धर्मपाल, देवपाला या महेंद्रपाल। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी स्टार्ट की थी ऑप्शन नंबर बी दैट इज धर्मपाल इज द करेक्ट आंसर। 16th, किंग अनंग पाल हु फाउंडेड द रेड फोर्ट दैट इज लाल किला इन दिल्ली इन 11th सेंचुरी बिलोंग टू विच डायनेस्टी। जो किंग आनंग पाल थे जिन्होंने लाल किला बनाया था वो किस डायनेस्टी को जो है बिलोंग करते थे? ऑप्शन आर कछवाहा, तोमर, चौहान या परमार। तो वो बिलोंग करते थे आपके ऑप्शन नंबर बी दैट इज तोमर। किंग आनंग पाल तोमर जो है इन्होंने लाल किला बनाया था, रेड फोर्ट बनाया था। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अबॉलिश द इक्ताज। इनमें से किसने जो है दिल्ली सल्तनत के कौन से रूलर ने इक्ताज को जो है ख़त्म किया था, अबॉलिश किया था? ऑप्शन आर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड एल्कोहल। इनमें से किसको वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल। तो वुड एल्कोहल के नाम से जो है जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज मीथेनॉल। 20th क्वेश्चन, करछम वांगटू पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो करछम वांगटू पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपका कौन से स्टेट में है? ऑप्शन आर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज हिमाचल प्रदेश। 23rd क्वेश्चन, विच स्टेट इन द मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क लोकेटेड। तो मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर हरियाणा। तो आपका मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क जो है वो आपका सिचुएटेड है दैट इज मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन, केबल लामजाओ वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मतलब विश्व का पहला जो है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबल लामजाओ, ये कहाँ पर है? ऑप्शन आर असम, त्रिपुरा, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज मणिपुर। मणिपुर में जो है केबल लामजाओ आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। 25th क्वेश्चन, द बिगेस्ट रिवर फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट इज नमामि ब्रह्मपुत्र हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो नमामि ब्रह्मपुत्र आपका कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन आर असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज असम, क्योंकि असम में हमारी ब्रह्मपुत्र बहती है और इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत से एंटर करती है लेकिन ज़्यादा फ्लो आपके असम में करती है ब्रह्मपुत्र। तो ये बिगेस्ट रिवर फेस्टिवल जो है नमामि ब्रह्मपुत्र ये आपका असम में ही मनाया जाता है। तो हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए, ये आपका कितना स्कोर रहा आप मुझे कमेंट में बताना। लेक में क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है उसका, मैं क्वेश्चन का आंसर ज़रा देखूँ। 15th क्वेश्चन में, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो इसका आंसर में मुझे थोड़ा डाउट है, शायद इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है फ्लेमिंगो फेस्टिवल का। तो इसमें
केरल है वो मैं आपको चेक करके एक बार कमेंट सेक्शन में करवा दूंगी। तो इसमें इनका डाइसी है जिसका भी आंध्र प्रदेश है वो भी देख लें, जिनका केरल टिक किया वो भी देख लें। तो इसका आप स्कोर जो है अपना एड ऑन कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा और अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच।